अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपके साथ एक गलती हो सकता है, जो मेरा साथ भी हुआ था, जो गलती मैं किया था। मैं चाहती हूँ आपके साथ एक गलती ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों मेरे को बहुत दिन तक पछताना पड़ा था। आपको अगर एक गलती करोगी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर 100 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर है, उसके अंदर अगर आपको एक स्टॉक ब्रोकर चूज करना है तो ये काम बहुत ही टफ हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलती से अच्छा स्टॉक ब्रोकर के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करोगी तो आपको क्या क्या हो सकता है। आप ऑर्डर प्लेस किया, सॉफ्टवेयर स्लो हो गया तो आपका ऑर्डर लेट में प्लेस होगा, तो उसके चलते आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर के अंदर बहुत सारा एडवांटेज नहीं है जिसका फायदा आपको नहीं मिल सकता है। तो बहुत तरह का स्टॉक ब्रोकर के अंदर बहुत तरह का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इंडिया का टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर के बारे में एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको क्या करना है आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो टॉप 5 के बारे में मैं एनालिसिस करूंगा उसके अंदर आपको लेना है, आप चाहे तो दूसरा कोई स्टॉक ब्रोकर के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा काम है टॉप 5 के अंदर बात करना है, क्योंकि दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए टॉप 5 को लेकर मैं बात करूं। फ्रेंड, सबसे पहले आप गूगल पे जाकर सर्च करिए बेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर आ जाएगा, लगभग 100 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर आपके सामने आ जाएगा, 100 से भी ज्यादा। इसके अंदर अगर आपको एक स्टॉक ब्रोकर चूज करना है तो ये काम बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन दोस्तों इस काम को मैं इजी करने के लिए आ चुका हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर का लिस्ट है, देखिए सबसे पहले जो है क्लाइंट का हिसाब से, एक क्लाइंट का हिसाब से अभी टॉप पे है ग्रो, सेकंड पे है जीरोधा, थर्ड पे है एंजल वन, फोर्थ पे है अपस्टॉक, फिफ्थ पे है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। जो इतना सारा स्टॉक ब्रोकर है, बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर, इसके अंदर दोस्तों मैं सिर्फ टॉप 5 के अंदर बात करूंगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा, एक सीक्रेट है जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है स्टॉक ब्रोकर चूज करने के लिए। चलिए मैं पहले रेटिंग दिखाऊंगा, रेटिंग देखिए यहाँ पे ग्रो का कितना दोस्तों, ग्रो का रेटिंग देख लीजिए 3.1, मतलब जो स्टॉक इस ग्रो को यूज करने के बाद बहुत सारा बंदा जो फीडबैक देता है दोस्तों, फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, फीडबैक के ऊपर बेस करके इंडिया के अंदर बहुत कुछ चलता है। तो यहाँ पे फीडबैक दिए, इसका ग्रो रेटिंग देखिए 3.1, जीरोधा का देखिए 3.8, उसके बाद दोस्तों एंजल वन का देखिए 3.2, अपस्टॉक का देखिए 3.4, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखिए दोस्तों 3। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा रेटिंग किसका है, वो है दोस्तों जीरोधा का है। सेकंड पोजीशन पे कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका अपस्टॉक है। थर्ड पोजीशन के कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका एंजल वन। देखिए ये तो गया पहला चीज, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन सा सेगमेंट में काम काज करता है। देखिए ग्रो फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन में काम करता है, इसके अंदर आपको करेंसी वाला ऑप्शन नहीं है, कमोडिटी वाला ऑप्शन नहीं है, एक डिसएडवांटेज है, बाकी यहाँ पे एडवांटेज इतना है। इसका हम लोग कंपेयर करके जीरोधा के साथ, तो जीरोधा के अंदर देखिए इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, कम्युनिटी में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में, ऑप्शन में, मतलब हर जगह ट्रेड करने के यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिले, मतलब पांचों जगह में ऑप्शन ट्रेड करने का ऑप्शन है, जो भी एंजल वन के अंदर भी दोस्तों है, ये पांचों का इसके अंदर भी फीचर्स है। उसके बाद अपस्टॉक के अंदर भी देखिए ये पांचों फीचर्स है, उसके बाद आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर भी देखिए पांचों फीचर्स है। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पे जो है पांचों फीचर्स सिर्फ ग्रो के अंदर नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका ये टॉप पे क्यों है, क्योंकि इसका एक्टिव क्लाइंट ज्यादा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री, सबका फ्री है दोस्तों, ये कोई कंपेयर करने वाला चीज नहीं है, सबका आपको फ्री देखने को मिल सकता है फ्री। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इसका फ्री है, देखिए ग्रो का फ्री है, यहाँ पे फ्री बहुत ज्यादा है दोस्तों, ग्रो के अंदर फ्री आपको ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरोधा का 300 रुपया, एंजल वन का 240 का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका अपस्टॉक का भी देखिए दोस्तों, अपस्टॉक का भी यहाँ पे फ्री है, और लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 700 है। उसके बाद हम लोग इक्विटी डिलीवरी में देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ग्रो के अंदर 0.05, जीरोधा के अंदर 0 है दोस्तों, बहुत बड़ा बात है, जीरोधा के अंदर 0 है। उसका और भी एक बात है दोस्तों, एंजल वन के अंदर भी दोस्तों 0 है देखिए। उसके बाद अपस्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा है दोस्तों 2.5%, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर 0.18%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों इक्विटी इंटरडे ब्रोकरेज चार्ज, देख लीजिए सबका आपके सामने आ चुका है, देखिए एक एक करके देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे आपको आपके सामने एक बेसिक आइडिया हो चुका है इसके अंदर आपको कौन सा स्टॉक
ब्रो का चूज करना है, अगर इसके अंदर चूज करना है तो, अगर टॉप फाइव के अंदर, नहीं तो नीचे से भी आप चूज कर सकते हैं। नीचे बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर जैसा था, देखिए जैसे नीचे बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर था, इसके इसको छोड़ के भी बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर था, इसके अंदर भी आप किसी को भी ऐसा कंपेयर करके चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं देखिए यहाँ पे धन का भी दोस्तों देखिए इसका रेटिंग कितना अच्छा, देखिए यहाँ पे ज़ेरोधा का 3.8 था ना, यहाँ पे धन का भी 3.7 है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अच्छा, लेकिन यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग नहीं है, तो ऐसे आपको एक बार एक चीज देखना पड़ेगा। बेसिक आइडिया सबसे पहले हो चुका है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फ्रेंड कॉम्प्लेन, क्लाइंट कॉम्प्लेन, कौन सा स्टॉक ब्रोकर के ऊपर ज्यादा कॉम्प्लेन है, इसका लिस्ट भी यहाँ पे है दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों मैं टॉप फाइव के लेके बात कर रहा था, इसलिए टॉप फाइव स्टॉक ब्रोकर का कॉम्प्लेन देखाऊंगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर का कॉम्प्लेन वाली नीचे है, मैं पांचों को लेकर बात करूंगा। सबसे पहला जो है एक्टिव क्लाइंट है वो है दोस्तों ग्रो के पास। ग्रो के पास लगभग दोस्तों 1,18,82,869 के आसपास एक्टिव क्लाइंट है। इसके अंदर दोस्तों लगभग 265 के आसपास कॉम्प्लेन है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है जीरोधा एक्टिव प्लान के हिसाब से 78,84,365 के आसपास इसका क्लाइंट है। उसका अंदर सिर्फ दोस्तों 84 का कंप्लेन कहाँ पे देखने को मिला। थर्ड पोजीशन पे जो है एंजल वन, इसके पास 71,32,861, इसके पास है 191 कंप्लेन है दोस्तों। उसके बाद आप स्टॉक देखिए, आप स्टॉक के पास 27,71,549 का एक्टिव क्लाइंट है। उसके अंदर 95 कंप्लेन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ICICI डायरेक्ट 19,05,641, इसके अंदर भी दोस्तों 115 कंप्लेन है। कुल मिला के हम लोग यहाँ पे भी पांचों का कंप्लेन कंपेयर करके देखिए, परसेंटेज निकाल के देखिए, तो ये पांचों के अंदर सबसे कम कंप्लेन जिसका है, बहुत कम सबसे कंप्लेन आया हुआ है दोस्तों ज़ेरोधा का। यहाँ पे ज़ेरोधा का कंप्लेन बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों बाकी जो स्टॉक ब्रोकर का है उसका कंप्लेन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ज़ेरोधा का बहुत बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों अभी आपको डिसीजन लेना है कहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करना है। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग करने से पहले फिर से सोचिए, जो भी स्टॉक ब्रोकर आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप अकाउंट ओपन करिए दोस्तों। अगर आपको लगता है इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।